कंपनी देता है और ये हमारी महिंद्रा जेन्युइन पार्ट है, महिंद्रा जेन्युइन पार्ट। तो ये आप देख सकते हो हमारे स्टीयरिंग माउंटेड बटन है, फुल्ली वर्किंग आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, ये देखो इमेन, ये देखो भाई, ये देखो मोटराइज हो गया हमारा ये, अब यानी कि मोटर से वर्क करेगा, आपको हाथ से जो है डंडी नहीं खींचनी पड़ेगी बैठ के। वेलकम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो आज हमारे दिलीप भाई हमारे साथ हैं और आज की जो स्कॉर्पियो की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि सारे महिंद्रा जेन्युइन पार्ट आज हम दिखाने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया गाड़ी का काम हुआ है। तो पूरी वीडियो आप लोग देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी बहुत जबरदस्त ठंड हो रही है भाई इस टाइम पे, है ना भाई, हाथ नहीं जम रहे, हाथ जम गए भाई। तो अब भाई इतनी मेहनत करेंगे हम आप लोग के लिए, तो एक लाइक तो बनता है भाई, फटाफट से लाइक कर देना वीडियो को भाई, बोल दे लाइक कर दो, लाइक करो भाई, मेहनत कर रहे हैं, इसके बोलने पे कर दो, मेरे बोलने पे नहीं करोगे सब्सक्राइब भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो भाई। इस गाड़ी में काफी सारा काम हुआ है, पूरी हमने S11 बनाई है विद महिंद्रा जेन्युइन एक्सेसरी, सारी महिंद्रा जेन्युइन है, कोई आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट नहीं यूज करा इसमें। तो अब दिलीप भाई बताओ सबसे पहली चीज और जो खास हमारी है वो क्या है। सबसे पहले तो इसमें फ्रंट पे अपना हेडलाइट है जो अपने S11 में कंपनी देता है, कंपनी देता है, और ये हमारी महिंद्रा जेन्युइन पार्ट है, महिंद्रा जेन्युइन पार्ट है, कोई और कॉपी नहीं। देखो इसमें आपको प्रोजेक्टर मिल जाएगा जो की टॉप मॉडल से आता है कंपनी में। सो उसी के साथ साथ ये जो ग्रिल है इसमें क्या है भाई, क्रोम लगाया है, ग्रिल छल्ले लगा हुआ, बाकी अपना महिंद्रा जेन्युइन अपने पास ग्रिल मिल जाएगा, महिंद्रा जेन्युइन है पहले का, ये पहले का स्टॉक है, बट ये जो है 6 पीस का क्रोम का छल्ले लगाया है। अच्छा ये क्रोम लगाया है पूरा कंप्लीट, क्रोम के साथ साथ फ्रंट की एबीएस गार्ड है, एबीएस गार्ड है हमारा नॉन डीआरएल, वेलकम कंपनी का नॉन डीआरएल, नॉन डीआरएल वाला आपको मिल जाएगा इसमें। उसी के साथ में प्रोजेक्ट इसमें फॉग लाइट डालिए जो अपने S11 में आता है, और महिंद्रा जेन्युइन हमारी जेन्युइन नहीं है, अपना वॉलमैक्स की है, जो बढ़िया चीज है फॉग लाइट के मतलब कंपनी के मामले में बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है, हां वॉलमैक्स की ब्रांड है। तो वॉलमैक्स ब्रांड की हमने इसमें फॉग लाइट लगाया, फॉग लाइट भी लगाया है, बाकी इसमें अपने नॉर्मल अपने लाइट जो अपना हैलोजन ही है स्टॉक में, हैलोजन ही रखा है उसमें, प्रोजेक्टर में भी हैलोजन रखा है। तो जो कार के ओनर हो थोड़ा स्टॉक चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, करवाएंगे बाद में थोड़ा अपना, ठीक है, मतलब नॉर्मली अपना स्टॉक रखना चाहते थे। ओके तो साइड प्रोफाइल में अगर हम लेकर चलेंगे आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे S11 के महिंद्रा वाले अलॉय जो की कंपनी से आपको मिलते हैं, ये चीज इंस्टॉल हुई है इस गाड़ी में और ये बहुत खास है भाई, ये इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है, बट हमारा जय ऑटो अरेंज करा के देगा, अरेंज कराना पड़ेगा, तुम करा के दोगे है ना, जिसको चाहिए उनके लिए टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और ये नहीं कि भाई आप लोग सिर्फ एलॉय के लिए चले आ रहे हो भाई, एलॉय दे दो, एलॉय दे दो, तो एलॉय अरेंज हो जाता है, सारा काम यहाँ पे हो रहा है, तो एलॉय आपका यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा एलॉय, मिरर डाला जो कि अपना है, ये वाला पूरी मिरर चेंज हुआ है, पूरा मिरर चेंज हुआ है। अच्छा तो इसकी पूरे पूरी आपको नॉर्मल यहाँ पे डंडे वाला लुक आता है, हाँ तो चीज हमने हटा दी, इधर से आके आपको दिखाते हैं, तो यहाँ पे डंडी आती है, हाँ, और इसका पूरा जो कंट्रोल है हमारा यहाँ पे आ गया, तो ये चीज बहुत ही जबरदस्त है। और गाइस आप लोग का कमेंट आता रहता था कि भाई हमें जो है S11 वाला ओरिजिनल मिरर चाहिए जिसमें हम अंदर बैठ के दोनों साइड ड्राइवर साइड से कंट्रोल कर सके, तो मैं आज आपको ये चीज दिखा देता हूँ, तो सारे लोगों का आज का ये सवाल दूर हो जाएगा आप लोगों का। ये देखो मैंने राइट को कर दिया, तो ये देखना, ये देखो भाई, ये देखो मोटराइज हो गया हमारा ये, अब यानी कि मोटर से वर्क करेगा, आपको हाथ से जो है डंडी नहीं खींचनी पड़ेगी बैठ के। अब जैसे आप ड्राइव कर रहे हो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, ड्राइव करते करते आप डंडी खींचते रहोगे, या उस साइड बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी कि हाथ भी नहीं पहुंचता था, जो इधर बंदा बैठा होता था उससे बोलते थे कि भाई यार डंडी खींच दे यार, उधर से मिरर नहीं सेट हो पा रहा है। बट अब आप लोग के लिए हमने सोल्यूशन लिया जो कि महिंद्रा जेन्युइन रहने वाला, और ये जो है ये पार्ट महिंद्रा जेन्युइन है, इधर से मैं आपको दिखा दूं, ये भी फुल्ली वर्किंग है, ये देख लो, ओए हो क्या बात है भाई, ये चीज जो है भाई बहुत ही रेयर है और बहुत कम लोग ये चीज जो है लोगों को पता है कि भाई ये भी आपको मिल जाएगा स्कॉर्पियो के लिए, बट हमने आज आपको करके दिखा दिया गाड़ी में। तो ये है सारा स्टॉक वर्क, इसको मॉडिफिकेशन में नहीं इंक्लूड करेंगे कि ये कुछ मॉडिफिकेशन में आया हमारा, बट ये चीज जो है आफ्टर मार्केट आपको महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स S11 के आपको मिल जाएंगे स्कॉर्पियो के। उसी के साथ साथ हमारे आप स्टीयरिंग माउंटेड बटन देख सकते हो जो कि हमारे S11 के रहने वाले हैं, तो इसमें खासियत आपको ये देख सकते हो बटन है हमारे, तो ये आप देख सकते हो हमारे स्टीयरिंग माउंटेड बटन है, फुल्ली वर्किंग आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, ये देखो ये मैं नीचे करूंगा तो वॉल्यूम डाउन आ जाएगा हमारा, तो ये फुल्ली फंक्शनल हमारे आफ्टर मार्केट स्टीयरिंग बटन आपको मिल जाएंगे जो कि हमारे महिंद्रा जेन्युइन है। ये जो है आपको ब्लैक कलर में भी मिल जाएगा, बेज कलर में मिल जाएगा, महिंद्रा जेन्युइन वाली है ये, जो हमने अपना सिल्वर पेंट करके दिया है, सिल्वर पेंट करके दिया है, हाइड्रो डिपिंग पे हमने ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की आती है, हमने ये भी अपना कोटिंग करके दिया अपना सिल्वर की, मतलब जेन्युइन लुक दिया है, जेन्युइन लुक, हाइड्रो डिप करके जो डुबो के पानी में करा जाता है, वुडन का भी काम हुआ है, तो ये वुडन का काम आप लोग देखते हो जरा, अब हम ऑन करते हैं अपना लाइट, तो ये देख सकते हो आप, ये हमारा जो है
फुल महिंद्रा जेन्युइन काम है हमारा। पार्ट भी है जो कि अपना सिल्वर है, ये सिल्वर है, हमने वुडन वुडन कर दी, इसके अंदर अपना सिल्वर के भी पार्ट हुआ है। सिल्वर पे भी ध्यान दिया गया जो कि S11 में आता है। इससे आपका जो मेरे बंदे क्या करते हैं, सिर्फ वुडन करके दे देंगे भाई, वो वुडन किट लाएंगे आफ्टर मार्केट लगा दे देंगे, बट ये जो है आपका कार का ओरिजिनल पार्ट है। अब ये कौन पर हाइड्रो डिप करके इसको गाड़ी में लगाया गया है और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि आपका कार का ओरिजिनल पार्ट है। इसको उतार के इसको पानी के अंदर डिप करके पेंट इसके ऊपर करा गया है, जो वुडन वर्क है हमारा, बहुत ही परमानेंट और बहुत ही सही चीज है। यानी कि आपका कुछ टाइम बाद हटने लगेगा, स्क्रैच पड़े जाएंगे, ये चीज बिल्कुल जेन्युइन रहने वाली है। तो यही चीज आपको पूरी डोर पैच में भी आपको देखने को मिल जाएगी। इधर आप देख सकते हो, थोड़ा मैं क्लोजअप में आप लोग को दिखाऊं तो काफी शानदार हमारा ये काम लग रहा है। आने वाले टाइम में कुछ और खास चीजें भी आपको इंटीरियर में देखने को मिल जाएंगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि भाई आप लोग को आपकी स्कॉर्पियो के लिए तुम्हारा भाई बढ़िया बढ़िया चीजें दिखा सके। तो ये सेंटर पार्ट में भी आप देख सकते हो, मतलब छोटी छोटी बारीकियों पर भी ध्यान रखा गया है। बंदे क्या करेंगे, इधर वुडन कर देंगे और इसके जो ये सिल्वर वाला पार्ट है ना, इससे लगता है कि गाड़ी S11 है, बिकॉज ये S11 में आता है। यहाँ पे नॉर्मल ब्लैक पार्ट आपको मिलता है, तो इस पर भी ध्यान दिया गया है। तो गाइस ये स्कॉर्पियो की इंटीरियर लाइट और एक सनग्लास होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी महिंद्रा जेन्युइन रहने वाला है हमारा, तो ये देख सकते हो भाई, नहीं जेन्युइन नहीं आफ्टर मार्केट है, ये एक चीज हमारी आफ्टर मार्केट है। सो ये आप देख सकते हो, बाकी कार के अंदर भी लाइट्स लगाने का काम काफी बढ़िया किया गया। पीछे आप बॉक्स देख सकते हो, सब पे महिंद्रा लिखा हुआ है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सारे महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स है, आफ्टर मार्केट माल नहीं है। रूफ इसका ब्लैक करा गया, तो मैं आपको ऊपर से दिखाऊं, तो ये देख सकते हो आप हमारा रूफ, तो मैं इसको ऑफ करता हूँ लाइट को, ये हमारा रूफ ब्लैक करा गया, जो कि बहुत अल्टीमेट लग रहा है गाड़ी में। इंटीरियर का और सीट कवर का काम भैया बाद में आएंगे कराने के लिए, बिकॉज भैया ने आज ही डिलीवरी ली है और आज ही काम कराने के लिए शॉप पर आ गए, तो भैया ने कहा था कि आज ही मेरे को काम करा के घर लेके जानी है S11। घर वालों से भैया ने, चलो बाद में बात करते हैं। देख सकते हो हमारा S11 वाला साइड फुटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो है आपका जो S5 का आता है ना वो यहीं तक आता है, बट ये जो प्लास्टिक पैच है ये ऐड करके हमारा S11 का लुक बन गया, जिससे जो आपका अगेन बारीकियों पे ध्यान दिया गया। उसी के साथ साथ आप लोग ये देख सकते हो हमारा डोर हैंडल, जिसपे क्रोम हमने लगाया, तो ये डोर हैंडल क्रोम आपको मिल जाएगा इसमें, तो ये काफी सही लग रहा है हमारा। तो पीछे की तरफ मैं अगर आपको लेके चलूं, तो क्रोम का ज्यादा काम गाड़ी में नहीं हुआ, S11 की बैजिंग लग गई है। उसी के साथ में हमारा रियर बाइक प्रोटेक्शन गार्ड भी इसमें इंस्टॉल करेगा, और हमारे जो रिफ्लेक्टर्स हैं इस पर भी स्कॉर्पियो लिखा हुआ है। सो ये आप चेक कर सकते हो भाई, पूरा इस गाड़ी का काम। फ्लोरिंग हुई है इसमें, आप देख सकते हो लेमिनेशन वाली हमारी फ्लोरिंग हुई, जो कि हर गाड़ी में हमारी कंपलसरी रहती है। उसी के साथ में हमने 70 मैट्स भी इसमें इंस्टॉल करें, तो ये आपने फुल चीज़ हमारी चेक कर ली। एंड्रॉइड का हमारा स्टीरियो भी लगा है, वेलकम लाइट लगी है। आने वाले टाइम में भाई जो इसमें सिस्टम का काम भी कराएंगे, तो भैया का नेक्स्ट चक्कर लगेगा, बट आज भैया के पास थोड़ा टाइम का शॉर्टेज था, बिकॉज भैया शाम में 6-7 बजे आए थे काम कराने, उनको कराना बहुत कुछ था, बट टाइम की 6-7 बजे नहीं आया, आया तो मतलब टाइम से 3-4 बजे। हाँ, बट ओरिजिनलिटी काम में थोड़ा टाइम लग जाता है। हाँ, उनकी वजह से थोड़ा लेट हो, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया, पर काम जेन्युइन हो गया। तो बाकी इसमें हमने ये भी लगाया आफ्टर मार्केट हमारी सेंटर लॉकिंग, ये देख सकते हो लॉक अनलॉक, तो ये भी सही चीज है हमारी, तो ये भी आपने देख लिया, मतलब पूरा काम ओरिजिनल वाला हमारा हुआ है। तो कैसे हमारे भाई हैं, भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान है। हाँ, मैं एक्चुअली लोनी गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये मैंने स्कॉर्पियो, हाँ, महिंद्रा स्कॉर्पियो, हाँ, S5 परचेज की थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। हाँ, इसलिए मुझे यूट्यूब ने सजेस्ट किया, हाँ, कि आप वहाँ पर जे मोटर्स पर जाएं। हाँ, मैंने, मुझे बेस्ट भी लगा और, हाँ, इनके प्राइस भी ठीक लगे, काम बढ़िया लगा, बिल्कुल मतलब काम में बिल्कुल मजा आया। अब आपकी गाड़ी जो है टॉप मॉडल बन गई, मतलब आपको जो बेस मॉडल था आपको पसंद नहीं आया था, अब जो आपका काम पूरा टॉप मॉडल वाला हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बढ़िया काम, बिल्कुल एक नंबर हो गया, अच्छा लग रहा है, मतलब अब लग रहा है कि हाँ भाई कुछ पैसा खर्च करा है गाड़ी पे, तो वर्थ बन गया, अब कार ली है, तो अब जाके भाई को लग रहा है। बाकी भाई एक बार बोल दो, मैं सब्सक्राइब करूं चैनल के लिए क्या करना है? ऑल गाइस सभी सब्सक्राइब करें और सभी लाइक करें और कमेंट करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसे क्रिएट करें। ठीक है भाई, ओके भाई, थैंक यू भाई, अच्छा लगा आपसे मिलकर।